लवदीप डोगरा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, आज मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर के साथ आप सबके साथ जुड़ रहा हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे कि अपने किडनी के डॉक्टर से कब सलाह लेनी है। जी हाँ, हम नेफ्रोलॉजिस्ट को कब दिखाएं और उससे क्या बात करें। जब भी हम जांच करते हैं, अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, वो बताता है कि शायद किडनी में कोई मसला लग रहा है, कुछ तो नॉर्मल नहीं है, चाहे वो सोनोग्राफी में आया हो, चाहे वो ब्लड क्रिएटिनिन में आया हो, या वो यूरिन के अंदर पेशाब की जांच के अंदर आया हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको किडनी रोग विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिए भेजा जाएगा। तो जब आप हमसे मिलने आते हैं तो आपको कुछ चीजें हैं जो जरूर करनी है। आज मैं आपको उनमें से कुछ क्या चीजें हैं वैसी बताना चाहूंगा। एक, अपनी हेल्थ हिस्ट्री। आज तक आपको क्या बीमारी रही है, आज तक आपने किन गोलियों का सेवन करा है और किन गोलियों का सेवन अब कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी से जूझ चुके हैं या जूझ रहे हैं, इन सब के बारे में आपको हमें बताना है। आपको हमें बताना है कि कहीं आपको किडनी को खराब करने वाली बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज तो नहीं है, आपके फैमिली में किसी को किडनी की बीमारी तो नहीं रह चुकी, या फिर ऐसे कभी इससे पहले आपको इस प्रकार के लक्षण जैसे कि उल्टियां आना, पैरों में सूजन आना, मुंह पे सूजन आना, या फिर पेशाब रुक जाना, इस प्रकार के लक्षण रहे हैं या नहीं। जब भी आप हमसे मिलने आए तो जो चल रही आपकी दवाइयां एवं जांचें हैं उनको लेके आए। उन जांचों को, उन स्कैन्स को, उन रिपोर्ट को देख के हम दो चीजें बता सकते हैं। एक, कहीं बीमारी पुरानी है या बीमारी नई है। अगर ये नई है तो क्या इसकी रफ्तार तेज है या फिर धीमी है, और अब हम इसमें आगे किस तरह से बढ़े। यदि किसी को स्थायी रूप से किडनी की बीमारी है तो जरूरी नहीं है कि उसकी सारी जांचें वापस से। एक बार यदि किसी की किडनियां सिकुड़ के छोटी हो चुकी हैं, जो आमतौर पर आपको बताया जाता है किडनियां तो सिकुड़ चुकी हैं, छोटी हो गई हैं, तो उसकी हर बार सोनोग्राफी करा के कुछ हमें ज्यादा हासिल नहीं होता। अपने आप अपने डॉक्टर ना बनो। ओवर द काउंटर मेडिसिन आजकल कई सारी हैं जो हमारे को मिल जाती है, इस प्रकार की जो मेडिसिन हैं इनसे बचें, और अगर अपने सिम्टम्स पे और जो टेस्ट आपने कराए हैं उन पर विश्वास रखें, अपने डॉक्टर से बात करें और किडनी रोग के प्रति जागरूक रहें। यदि आप जागरूक रहेंगे तो ही आप अपना ध्यान ज्यादा अच्छे तरीके से रख सकेंगे। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।